गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास नाइन्थ की मैथ्स चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चों आज हम इसमें करेंगे प्रश्नावली 13.1। इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपका, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। किसी कोई हमारे पास डब्बा है और उसमें क्या भरा है, पेंट भरा है। उस डब्बे में इतना पेंट है कि वो इतने मीटर स्क्वायर यानी कि 9.375 मीटर स्क्वायर वाले एरिया को क्या कर सकता है, पेंट कर सकता है। ठीक है, इस डिब्बे के पेंट से हमने क्या करना है, 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर बीमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। इससे हमें क्या करना है, ईंटों को पेंट करना है और हमें कितनी ईंटों को हम पेंट कर सकते हैं, हमें एक ईंट की डायमेंशंस बीमा यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसकी ज्ञात है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है। आप एक चीज़ देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे मीटर स्क्वायर में है जबकि यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस मीटर स्क्वायर को भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आपके पास से सबसे पहले पेंट करने का क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल इससे पेंट हो सकता है 9.375 मीटर स्क्वायर, इसको मैं किस में कन्वर्ट करने वाली हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब आपको पता है कि 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 मीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है ना, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी पावर भी 2 हो जाएगी, यानी कि इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इस पूरे की पावर है ना। तो यानी कि 100 × 100 और सेंटीमीटर की पावर जब 2 होती है तो क्या हो जाता है आपके पास, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए यहाँ पर ये आ गया आपके पास सॉल्व करके, मैंने यहाँ पर इसीलिए इसको क्या लिखा है, 100 × 100 लिखा है, इसी कारण ये आया। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये आ जाएगा आपके पास 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ज्ञात करना है ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्या करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ईंट किस आकार की होती है आपके पास, घनावाकार आकार की होती है ना, घनाभ होती है। तो घनाभ का क्षेत्रफल आपको पता है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या निकालते हैं, 2LB BH + HL, और हमारे पास लंबाई, ये क्या है, ईंट की लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है, LB और ये H है। ठीक है, हमने आपको सारी चीज़ें दी हैं तो वही हमने सारी चीज़ें इसमें लगा दी हैं, 2 की जगह में 2 है, ये लंबाई इंटू चौड़ाई को गुणा किया, फिर चौड़ाई गुणा किया ऊंचाई को गुणा किया, प्लस फिर ऊंचाई गुणा किया लंबाई को गुणा किया, और इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया है सारा। ठीक है, ये कैलकुलेशन बेस्ड है, इसको आप कर सकते हैं। फिर अब आपको ईंटों की संख्या निकालनी है, इतने पेंट से कितनी ईंटें पेंट हो जाएंगी। ये तो इतना क्षेत्रफल ये पूरा दे रखा कि इतना पेंट दे रखा ना कि इतना मीटर स्क्वायर पेंट है ये। ठीक है, किसी डब्बे में भरा है तो, और एक ईंट की डायमेंशंस यानी कि क्षेत्रफल क्या आ गया है, इतना आ गया, तो उसे डिवाइड करा देंगे, जितना पूरा है एक ईंट का करा देंगे, तो उससे हमारे पास टोटल ईंटों की संख्या आ जाएगी। तो ईंटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, ये अपॉन ये, तो यहाँ से हमारे पास इसको सॉल्व करके आएगा 100 ईंटें। ठीक है, आप डिवाइड करके देखेगा आपके पास कितना आएगा, 100 ईंटें आएगा। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है और एक अन्य घनावाकार डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपको क्रमशः लेंथ ब्रेथ एंड हाइट कितने दे रखी है, 12.5, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपने लगाना है, और किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। ठीक है, पहले आप क्या करेंगे, पहले घनाकार डिब्बे के लिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, फिर घनावाकार डिब्बे के लिए निकालिए, उसी ढंग से घनाकार डिब्बे के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए और घनावाकार डिब्बे के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, फिर आप कम ज़्यादा इसका वैल्यू देख के ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना,
तो जैसे ही मैं घनाकार डिब्बे के लिए हमें दिया है कि घनाकार डिब्बे का एक किनारा कितने सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो तुम्हें पता है कि इसका पार्श्व घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल कितना होता है। इसके लिए सूत्र 4a² होता है ना, बताया था घना पार्श्व क्षेत्रफल का मतलब केवल चार दीवारों का हम इसमें निकालते हैं, तो 4a² तो 4 × a भुजा कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो 10 से हमने इंटू किया तो ये आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको बताना है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a² होता है, तो 6 × 10² है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार आप घनाभाकार डिब्बे के लिए निकालेंगे, घनाभाकार डिब्बे में आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी है, लंबाई 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर आपको दी है, तो आपको बताना इसमें पार्श्व क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभाकार डिब्बे के लिए क्या होता है सूत्र, 2l + b × h, 2 की जगह में 2 है, l कितना है लंबाई और चौड़ाई ये है और h ऊंचाई इतनी है, इसको सॉल्व करके इतना आ गया। फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभाकार डिब्बे के लिए, आगे सूत्र लिखा थे स्टार्टिंग में 2lb + bh + hl, आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं तभी आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने सारी वैल्यूज पुट करी और यहाँ से सॉल्व करके ये आ गया। अब देखो किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, घनाकार डिब्बे का है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 है ना, और इसका है आपके पास 360, तो इसमें लिखेंगे हम घनाकार डिब्बे का पार्श्व क्षेत्रफल ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है 400 - 360 यानी कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला बताना आपको कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था घनाकार डिब्बे का 600 और इसका कितना था घनाभाकार का 610, तो इसका कम है घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, कितना कम है 610 - 600, तो यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ गया। थोड़ा ये मिस्टेक हो गई थी क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मिसअंडरस्टूड हो गया था थोड़ा ना, ये घनाकार है दूसरा है घनाभाकार। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे करेक्ट किया है इसको, आप समझिएगा। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से, एक छोटा पौधा घर है जो संपूर्ण रूप से पूरी तरह से शीशे की पट्टियों से, यानी कि आधार भी जिसमें सम्मिलित है घर के अंदर ही बनवाया गया है। ठीक है, पौधा घर बनाया गया है और जो शीशे की पट्टियों से बनाया गया है, किसी घर के अंदर बनाया गया है, और शीशे की पट्टियों को हम टेप द्वारा चिपकाया गया है, और उसके किनारे किनारे क्या लगाया है, शीशे की पट्टियों के किनारों पर टेप लगाकर चिपकाया गया है, चिपकाकर रोका गया है। ठीक है, यह पौधा घर, अब उसकी पौधा घर की लंबाई l, चौड़ाई और ऊंचाई आपको ये दे रखी है lbh, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, तो इसमें बताना है कि हमने शीशे की पट्टियों का जो क्षेत्रफल है ना वो कितना है, तो आपको समझ आना चाहिए कि ये क्या बनेगा, घनाभाकार बॉक्स बनेगा है ना, घनाभाकार जब ये बॉक्स बनेगा तो हमें घनाभाकार का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको पता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, तो शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके लिए घनाभाकार के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2lb bh + hl, सारी वैल्यूज हमने पुट करी और हमारे पास ये आंसर निकल के आ गया। बहुत ईजी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब आपको दी है। इसका सेकेंड पार्ट है, सभी 12 किनारों के लिए टेप की आवश्यकता क्या होगी, कुल किनारे कितने हैं 12 किनारे हैं है ना। अब आप देखेंगे कि जो ये डब्बा बना था इसमें क्या है, कुल किनारे कितने हैं 12 किनारे हैं, जब बच्चों इसमें 12 किनारे हैं तो इसके लिए कितने टेप की आवश्यकता होगी, 12 किनारों का मतलब क्या है, 4 लंबाई वाले किनारे होंगे, 4 चौड़ाई वाले किनारे होंगे और 4 ऊंचाई वाले किनारे होंगे। आप कमरे में क्या होते हैं 12 किनारे होते हैं ना, आप उसमें गिनिएगा, 4 लंबाई होंगी, 4 चौड़ाई होंगी और 4 ऊंचाई होंगी। ठीक है, तो हमने 4 कॉमन ले लिया, lbh कर लिया, और lb हमें पता है, bb हमें पता है और h भी हमें पता है, हमने सारी वैल्यूज रखी, 30 + 25 + 25, ये सॉल्व करके आ गया 4 × 80 320 सेंटीमीटर, ये निकल के आपका आंसर आ गया। ठीक है,